नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब से अतीक, उसका भाई अशरफ, उसका बेटा असद और इनके कुछ सहयोगी जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे, वो ऊपर गए हैं किसी न किसी तरीके से, या तो एनकाउंटर में या उनकी पुलिस अभिरक्षा में हत्या हुई है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के जो बचे खुचे माफिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, गुंडे बदमाश हैं, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। योगी सरकार ने 60 से अधिक माफियाओं की एक लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से बहुत सारे तो जेलों में बंद हैं। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए, उनकी जिस तरीके से हत्या की गई थी, उनके कुल मिलाकर के 5 साथियों की भी हत्या कर दी गई थी, उस मामले में अतीक को 10 साल की सजा सुनाई है। और ये सजा शनिवार 29 अप्रैल को सुनाई गई है। मुख्तार को 10 साल की सजा और इनके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा। अफजाल बसपा के टिकट पर इस समय लोकसभा सदस्य हैं, और किसी को भी अगर 2 साल से अधिक सजा होती है तो उसकी संसद सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता अपने आप खारिज हो जाती है। जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जिस तरीके से आजम खान की और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता चली गई थी 3 साल की सजा सुनाने के तुरंत बाद, उसी तरीके से मुख्तार अंसारी के सांसद भाई, बड़े भाई अफजाल की भी संसद सदस्यता खत्म होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी, यानी हो सकता है 30 अप्रैल को ही लोकसभा सचिवालय से जारी कर दिया जाए, भले ही 30 अप्रैल को रविवार है। लेकिन जो मैं कह रहा था शुरू में कि अतीक अंसारी, अतीक अहमद, अशरफ और अतीक के बेटे असद जिस तरीके से पिछले दिनों ऊपर गए हैं और जिस तरीके से वो मारे गए हैं, उसके बाद से मुख्तार अंसारी के भी तिरपन कांप रहे हैं। एक दौर था जब 786 नंबर की जीप में मुख्तार अंसारी और इसके गुर्गे सड़कों पर निकलते थे तो लोग रास्ता बदल देते थे, और पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह गैंग के बीच में जो दुश्मनी थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन लंबी बातें ना करते हुए मैं 2018 की एक घटना का उल्लेख करके आगे बढ़ता हूं। बागपत जेल में इनका एक करीबी बंद था, मुख्तार अंसारी का, और जेल के भीतर ही उसकी हत्या कर दी गई थी। 2018 मतलब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे और अगले साल जेल के भीतर ही उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इनकी हताशा, इनकी बौखलाहट, इनकी
असुरक्षा इस कदर बढ़ी कि इन्होंने तिकड़म लगा करके किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जेल से अपने आप को पंजाब की एक जेल में शिफ्ट करा लिया। वहाँ पर एक फर्जी केस दर्ज करवाया गया, इनके लिए वहाँ से वारंट इशू कराया गया और उसके बाद ये पंजाब की एक सुरक्षित जेल में रखे गए। और दुर्भाग्य की बात ये है कि जिस समय इनको वहाँ बुलाया गया उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसका दबाव था, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस के जो हाई कमान कहे जाते हैं उनकी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ किस तरह की कृपा दृष्टि के रिश्ते रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए कि हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनको निरंतरता में दो कार्यकाल दिए गए। और हामिद अंसारी कौन है, मुख्तार अंसारी के चचा जान। वैसे तो जब इनके इतिहास पर नजर दौड़ाते हैं तो ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी जो 47-48 में कबायलियों से लड़े थे, पाकिस्तानियों से लड़े थे, और 1948 में जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दे दिया था और उनको सम्मानित भी किया गया भारत सरकार की तरफ से, वो भी इनके रिश्तेदार थे। इनके पिता कम्युनिस्ट थे, इनके नाना यही उस्मान अंसारी ब्रिगेडियर थे, इनके दादा वो भी एक सम्मानित नेता हुआ करते थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक रहे हैं। फिर ये कैसे गुंडे बदमाश और माफिया बन गए और पूर्वांचल के एक नामी ग्रामी माफिया कैसे बन गए और कैसे ब्रजेश के साथ इनकी दुश्मनी हुई। और केवल ब्रजेश के साथ नहीं, इनके कारनामे तो ऐसे हैं कि उनको अगर आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये वो माफिया है, ये ऐसा बदमाश है जिसने जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि जब वो आजमगढ़ जा रहे थे तो उनके काफिले पर जो हमला हुआ था संभवतः 2007 में, वो मुख्तार अंसारी ने कराया था। इससे पहले जब मऊ में दंगा हुआ और योगी आदित्यनाथ वहां जाना चाह रहे थे और गोरखपुर से निकले भी, लेकिन उनको मऊ से पहले ही रोक लिया गया था। मऊ गाजीपुर ये एक तरीके से किले रहे हैं, गढ़ रहे हैं अंसारी परिवार के। अफजाल अंसारी तो इनके बड़े भाई हैं, इनसे पहले ही 80 के दशक में 90 के दशक में MLA बन चुके थे। ये थोड़ा सा बाद में आए, ये 90 के दशक के बाद आए, 1995 में संभवतः पहला चुनाव लड़ा और MLA बन गए। इससे पहले बनारस में स्टूडेंट्स यूनियन में थे ये। तो मुख्तार अंसारी की अदावत हुई ब्रजेश गैंग के साथ और फायरिंग वगैरह भी हुई, लेकिन जिस मामले में इनको सजा हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के MLA थे कृष्णानंद राय, 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में इनके खिलाफ, इनके भाई के खिलाफ, इनके गैंग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कृष्णानंद राय की हत्या 2005 में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि
वो इनके भाई अफजाल को हरा करके एमएलए बने थे। ये मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और आप देखिए कि ये अपनी जमानत रद्द करा करके जेल चले गए। और जेल क्यों गए थे ये तब लोगों की समझ में आया जब कृष्णानंद राय एक समारोह से लौट रहे थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में लौट रहे थे, अपने चार पांच अन्य साथियों के साथ लौट रहे थे, और मुख्तार अंसारी के गैंग ने उसे चौतरफा ऐसी जगह घेरा जहां से गाड़ी के यू टर्न लेने की गुंजाइश तक नहीं थी। AK-47 से करीब 400 राउंड फायर किया गया। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो जो पांच लोग वहीं मौके पर मारे गए थे, कृष्णानंद राय एमएलए समेत, उनके शरीरों से 67 गोलियां निकली थी, यानी उनको पूरी तरीके से इन्होंने छलनी कर दिया था। तो मुख्तार अंसारी को उस मामले में शनिवार को गैंगस्टर एक्ट का भी ये मामला था और कृष्णानंद राय की हत्या का भी मामला था, इनमें 10 साल की सजा सुनाई गई है। और अफजाल अंसारी जो इनके बड़ा भाई है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको 4 साल की सजा सुनाई गई है। ये एक्चुअल में केवल यही नहीं, अफजाल भी एमएलए एमपी रहे, मुख्तार अंसारी लगातार एमएलए, और इनके एक और भाई जो सिबकतुल्ला अंसारी वो भी एमएलए रहे। और इनकी जो शुरुआत हुई मुख्तार अंसारी की, वो भी बहुत अजीबोगरीब तरीके से हुई। जो इनके बारे में जानकारी मिल रही है, क्रिकेट खेलने का शौक था, लंबी कादी लंबी चौड़ी कद काठी, और खिलाड़ी से कब ये गैंगस्टर बन गए, कब ये बदमाशी करने लगे, शायद इनको भी पता नहीं चला। मुख्तार गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ता था और यहाँ उसकी दोस्ती साधु सिंह नाम के एक लड़के से हुई। दोस्ती निभाने के चक्कर में इसकी दुश्मनियाँ शुरू हो गई। ये किसी और का बयान नहीं है, इनके बड़े भाई अफजाल का बयान है। और मखानू सिंह गैंग का ये मेंबर बन गया। इसकी जो राइवलरी थी वो साहब सिंह गैंग के साथ थी। और ये जो साहब सिंह गैंग का पूरा नेटवर्क था, इसमें एक मेंबर ब्रजेश सिंह भी थे, जो बाद में जाकर के एक बड़े माफिया बने। हालांकि इन दिनों वो शांत है, इसको लेकर के भी तमाम किस्से कहानियां हैं। लेकिन पहली बार मुख्तार का जो नाम सामने आना शुरू हुआ गैंगस्टर के तौर पर, बदमाश के तौर पर, 1988 में आना शुरू हुआ। सच्चिदानंद राय की हत्या में उसका नाम आया। हालांकि पुलिस जिस तरीके से काम करती है वो किसी से छिपा नहीं है। इसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद कोई सबूत नहीं मिला। और 90 का दशक था जब जमीनों के कारोबार में और ठेकों में इसकी दखलअंदाजी शुरू हो गई और ये एक नामचीन माफिया और बदमाश बन गया। और यही ब्रजेश सिंह और इसके गैंग का आमना सामना होना शुरू हुआ। ये 1995 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन में सक्रिय हुआ। 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मायावती की कृपा से मऊ सीट से एमएलए बन गया। यानी जो आरोप लगते हैं मुलायम सिंह यादव पर, ठीक वैसे ही आरोप लगने चाहिए मायावती पर।
दोनों ने, समाजवादी पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने भी, जो माफिया रहे हैं, जो बदनाम रहे हैं, जिनके नामों के आगे दुनिया भर के मुकदमे दर्ज है और संगीन धाराओं में दर्ज है, हत्या के प्रयास के, अपहरण के, फिरौती के, मारपीट और धमकियां देना, ये सब उनको टिकट दिए जाने लगे, उनको एक तरीके से संरक्षण दिया गया। 2002 एक ऐसी घटना हुई थी जब ब्रजेश ने घात लगा करके मुख्तार अंसारी पर अटैक किया था, दोनों तरफ से गोलियां चली थी और मुख्तार अंसारी के 3 आदमी मारे गए थे, ब्रजेश भी उस शूटआउट में घायल हो गया था। उस समय अफवाह भी उड़ी के ब्रजेश की डेथ हो गई है, लेकिन वो बाद में लौट आया। लेकिन उस घटना के बाद पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का डंका बजने लगा और एक तरीके से अपराध की दुनिया में, जरायम की दुनिया में इसका एक छत्र राज हो गया। लेकिन कुछ समय बाद ब्रजेश फिर लौटा और मुख्तार के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उसने कृष्णानंद राय के लिए इलेक्शन में कैंपेन भी किया। कृष्णानंद राय जिसकी 2005 में हत्या कर दी गई, इनके भाई 5 बार के MLA थे अफजाल, और 2002 में उन्होंने अफजाल को मोहम्मदाबाद सीट से हरा दिया। तो ब्रजेश का भी कद बढ़ गया क्योंकि कैंपेन किया था उनके लिए। लेकिन 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार अंसारी अपनी जमानत रद्द करा करके जेल चला गया और इसका असर 2 महीने बाद देखने को मिला। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय जब लौट रहे थे कार्यक्रम से तो सुमो में सवार थे, बुलेट प्रूफ थी, इसके बावजूद चारों तरफ से घेर करके शूटर्स ने उनकी हत्या कर दी और कुल मिलाकर के 5 नहीं 7 लोग मारे गए। बहुत करीब से 400 राउंड फायर AK-47 से, आप इससे अंदाजा लगाओ। और गाजीपुर की चुकी अपनी परंपरागत और पुरानी सीट से अफजाल हारा था, इसलिए पूरे परिवार ने इसको अपने सम्मान के और प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के MLA को इतने बुरी तरीके से मारा, छलनी करके मारा, एक संदेश देने का इनका मकसद था। और इस हत्याकांड में जो गवाह था शशिकांत राय, उसको भी अगले साल यानी 2006 में मार डाला गया या उनकी रहस्यमय मौत हो गई। लेकिन इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद। दंगा हुआ, दंगे में एक और व्यक्ति मारा गया और उसके बाद उसकी हत्या को आधार बनाते हुए जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पुरानी घटनाएं भी जोड़ी गई। और आज यानी शनिवार को उसी मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। और जब से ये जेल में बंद है, जेल में क्यों बंद है, अपने को वहाँ सुरक्षित महसूस करता है। जो जानकार हैं उनका कहना ये है कि मुख्तार अंसारी अतीक से भी खतरनाक माफिया है क्योंकि इसको बहुत ऊंचे लेवल से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है और ये बचता रहा है। क्योंकि जैसे नाम मैंने गिनाए हैं, हामिद अंसारी से लेकर के ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी तक, ये सब इनके रिश्तेदार रहे हैं। तो कांग्रेस तो खास तौर से इन पर कांग्रेस की कृपा बनी रही है, बहुजन समाज पार्टी की भी बनी रही है, समाजवादी पार्टी को तो गुंडे माफिया बदमाशों से
कभी कोई ऐतराज रहा ही नहीं, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से इनकी शामत आ गई है। एक एक करके बहुत सारे माफिया या तो मारे गए हैं या जेलों में बंद हैं, अपनी जमानतें रद्द करके जेलों में बंद हैं। और जब से मुख्तार अंसारी को योगी आदित्यनाथ ने पंजाब की जेल से वापस उत्तर प्रदेश बुलाया है और जब से ये व्हील चेयर पर बैठने का ढोंग कर रहा है, तब से तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं। और ख़ास तौर से जब से विकास दुबे की गाड़ी पलटी और उसका एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से तो लगातार ये आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी हैं कि कहीं मुख्तार अंसारी या उनके परिवार के लोगों की भी गाड़ियां पलटनी शुरू ना हो जाए। और चूंकि अतीक मारा गया, अशरफ मारा गया, उसका बेटा मारा गया, तो अब इनमें खौफ गहरे तक बैठ चुका है। ये आप जानते हैं कि जो इनकी राजनीतिक विरासत रही है, जो प्रभाव रहा है, मऊ सीट से इस बार मुख्तार अंसारी का बेटा चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन कई मामले उस पर भी दर्ज हैं और वो इस समय जेल में है। और चित्रकूट जेल में जो रासलीला हो रही थी जेल के कर्मचारियों अधिकारियों की मिलीभगत से, और वहाँ के एसएसपी और पीएम ने छापा मार करके जो पकड़ा, उसकी पत्नी निखत उसके साथ कम से कम 2 महीने से रोजाना दिन में जाकर के जेल अधिकारियों के कमरे में ही रहती थी, तो वो पकड़ी गई, वो भी जेल में डाली गई। और अब तो ये भी आपको जानकारी होगी कि मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है अफसा, उसके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, यानी उसकी गिरफ्तारी की भी तैयारियां चल रही हैं। तो जब से 2018 में इसका करीबी मुन्ना बजरंगी बागपत की जेल में मारा गया, तब से इसकी उल्टी गिनती शुरू है। और जो ये सजा हुई है, ये एक तरीके से ये माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के अंत की शुरुआत है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।